गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम इंजीनियर अरविंद यादव है। मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड कैरियर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें काफी लाइक्स और कमेंट आए थे कि सर बहुत ही अच्छा, आपने बहुत ही इजी वे में बनाया है। तो इसलिए मैं एक दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ आपको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, जो NDA, CDS, IIT, NEET, ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, इस तरह के एग्जाम्स जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें आपको पहले थ्योरेटिकल पोर्शन, जिसमें ये सब जितने मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं, इनको पूरा कवर करूंगा। इसके बाद इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स कौन से एग्जाम में आते हैं वो, और इसमें SSC, बैंक, रेलवे जो कंपटीशन है उनके भी कुछ टॉपिक्स हैं जो थोड़ा सा उनका लेवल कम होता है, उनको भी मैं इसमें कवर करूंगा। तो ये सारे जितने भी कंपटीशन है, SSC, बैंक, रेलवे, PO, इनसे भी रिलेटेड इनमें क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स मैं आपको इसमें कवर करूंगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक बना रखी, देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है शनि, ये हमारा क्या है, मर्क्यूरी होता है। दूसरा हमारा क्या है, वेनस है। तीसरा हमारा क्या है, अर्थ है। चौथा हमारा क्या है, जुपिटर है। उसके बाद हमारा सैटर्न है, शनि है। उसके बाद यूरेनस है हमारा, एक नेपच्यून है। इसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरा आता है हमारा प्लूटो आता था, लेकिन उसको साइंटिस्ट ने क्या किया, ग्रह मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि नहीं, उसकी साइज वगैरह छोटे, उनके पैमाने पे वो खरा नहीं उतर रहा था, इसलिए उनको क्या कर दिया, उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हमने 8 आपको दिखाया। आप इसको इजिली याद कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट क्या होता है, इसमें सबसे पहले मैं ये टॉपिक्स लेता हूँ कि ग्रह क्या होते हैं हमारे, जो हमारे क्या है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, हम ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह मतलब सौर मंडल का वह ऑब्जेक्ट या वह पिंड जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। और जो सैटेलाइट्स होता है और जो ग्रहों के चारों चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, उपग्रह कह देते हैं। जैसे हमारे पास ये सारे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। इसके पहले आपने 9 ग्रह भी पढ़ा होगा, लेकिन 9 ग्रह हमारा क्या था, प्लूटो था, जो साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पैमाने से नहीं मिला हो, ठीक है, तो उसको उन्होंने क्या किया, बाद में निग्लेक्ट कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं कि सूर्य के सबसे नियरेस्ट कौन है और सबसे दूर ग्रह कौन से हैं, उनके बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे एक बना रखा है। इसको देखिए, मवेव जसन, इसको आप याद कर लेंगे मवेव जसन से, ठीक है, तो मवेव जसन से याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सूर्य के सबसे पास, देखिए यहाँ पे क्या है, मर्क्यूरी है, जो आपको SSC वगैरह में काफी पूछा जाता है एग्जाम में कि सब सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो उसमें आप ये इससे हमारा याद कर सकते हैं मवेव जसन से कि मर्क्यूरी जो बुध सूर्य के क्या है, सबसे पास में है, ठीक है। और ये जो है हमारा नेपच्यून, वो सूर्य से क्या है, सबसे ज्यादा दूर है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अर्थ के सबसे पास कौन सा है, तो हमारा क्या हो जाता है, मार्स हो जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ मार्स हमारा क्या है, पास में है, तो अर्थ के पास में क्या हो जाएगा, हमारा मार्स हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये अराइज होता है कि जैसे पूछ देता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ उपग्रह है, तो वो क्या है हमारा है, जुपिटर, बृहस्पति। ये क्वेश्चन तो ये आ जाएगा कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जुपिटर। इसके पास क्या है, लगभग 63 उपग्रह है इसके पास, जुपिटर के पास। दूसरा क्वेश्चन आपको इसी में अराइज हो जाएगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, आप अगर इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें तो देखेंगे बृहस्पति या जुपिटर की स्पेलिंग बहुत बड़ी है, लंबी है, या हिंदी में लिखोगे बृहस्पति बहुत बड़ा लिखा जाएगा। तो इससे भी हम याद कर सकते हैं कि बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा कि कौन से ऐसे ग्रह है जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो हमारा वो हो जाएगा बुध और शुक्र, इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। या फिर वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि मंगल के पास कितने उपग्रह हैं, मंगल के पास कितने उपग्रह हैं, तो मंगल के पास कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं। कभी कभी क्या पूछ देता है कि उनके नाम दे देगा कि मंगल का इसमें कौन सा उपग्रह है, एक फोमोस होता है, दूसरा क्या होता है, डीमोस होता है, ठीक है, फोबोस इसे लिखते हैं, फोबोस, और दूसरा इसको लिखते हैं डाइबोस, इसको दूसरा क्या लिखते हैं, डाइबोस लिखते हैं। तो ये इसके क्या है, 2 उपग्रह हैं। और आपको पता है कि पृथ्वी के पास सिर्फ 1 उपग्रह है, जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक क्या है, उपग्रह है। ऐसे पिंड जो ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपग्रह। उपग्रह में क्या आता है, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा किसका उपग्रह है,
ये हमारा है पृथ्वी का एक उपग्रह। नेक्स्ट ऑफ टॉपिक आता है केपलर्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट आपका केपलर्स लॉ। केपलर के नियम, केपलर ने तीन नियम दिए थे, नंबर एक लॉ ऑफ ऑर्बिट्स जिसे कहते हैं कक्षाओं का नियम, दूसरा उन्होंने दिया था एरियल वेलोसिटी, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, दूसरा उन्होंने क्या दिया था लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, थर्ड उन्होंने दिया लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ पीरियड्स। मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट नियम यहाँ पे बताऊंगा कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या होते हैं, कक्षाओं का नियम क्या होता है। इसमें केपलर फर्स्ट लॉ में क्या बताता है कि जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं गति करते हैं तथा सूर्य उनके एक फोकस पे होता है, इसे हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं। और सेकेंड नियम इसका है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, केपलर ने सेकेंड नियम बताया केपलर लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, उन्होंने इसमें यह बताया कि सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा, सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल क्या करती है तय करती है। उन्होंने क्या बताया कि सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। जैसे मैं आपको यहां पे दिखा देना चाहता हूं, ये है, यहां पे हमने क्या बना लिया सन बना लिया, और यहां पे हमारा क्या है ये ग्रह है। इन्होंने ये बताया कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय, मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में जितना क्षेत्रफल ये कवर करेगी उतना ही टाइम में, उसी टाइम इंटरवल में डेल्टा टी टाइम में समान क्षेत्रफल क्या करेगी आप यहां पे वो क्या करेगी कवर करेगी। आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां से इसकी डिस्टेंस हमें दिख रही है जैसा कि ज्यादा है, ठीक है, तो क्षेत्रफल वो समान तय कर रही है। एक क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है कि आप यहां से देख के भी इसका आंसर बता सकते हैं कि अगर ग्रह जो है सूर्य से अधिक दूरी पे है तब उसकी स्पीड क्या होगी, और जब वो सूर्य से नजदीक है उस केस में स्पीड क्या होगी, आप इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया था सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। आप यहां देख रहे हैं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी क्या है ज्यादा डिस्टेंस है, और हमें देखने में पतली सी स्ट्रिप दिखाई दे रही है, लेकिन आप इसको देखिए उतने ही टाइम में ये क्या कर रहा है यहां से यहां तक दूरी ट्रेवल कर रहा है, लेकिन यहां पे देखिए वो इतने ही इंटरवल में कितनी बस यहां से यहां तक ही दूरी ट्रेवल किया। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो इससे दूर है तो उस टाइम इसकी क्या है स्पीड कम है, लेकिन जब वो इसके पास में गया है उसकी स्पीड क्या होगी ज्यादा होगी, तभी तो वो ज्यादा एरिया कवर करेगा, अदरवाइज तो समान एरिया वो कवर नहीं कर पाएगा समान समय में। तो एक क्वेश्चन आप यहां से भी अगर आपको कोई पूछता है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको ही देख के समझ जाओगे कि अगर ग्रह जो है इससे क्या है सूर्य से दूर है तब उसकी स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी, और जब वो पास में है तब उस केस में क्या होगी। तो उन्होंने बताया कि क्षेत्रफल ASB इज इक्वल टू एरिया ऑफ CSD, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल के क्या है बराबर है, या फिर मैं ये कहूं कि क्षेत्रफली चाल मतलब एरियल वेलोसिटी, या फिर मैं ये कहूं एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा ASB अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू CSD अपॉन डेल्टा टी। यहां से भी आप देख सकते हैं कि डेल्टा टी डेल्टा जी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्षेत्रफल जो हमारा है ASB इज इक्वल टू क्षेत्रफल जो हमारा है एरिया हमारी है जो है CSD के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो ये उन्होंने अपना दूसरा नियम दिया। एक जो मैं अलग से आपको बताया जो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर ये इससे ज्यादा डिस्टेंस पे है तो उस केस में इसकी स्पीड क्या होगी ज्यादा या कम होगी, अगर वो सूर्य के नजदीक है कोई ग्रह तो उस केस में उसकी स्पीड क्या होगी। तो यहां से आप देख के पता चल रहा है कि अगर वो इससे ज्यादा दूर पे है इसकी स्पीड स्लो होगी, और जब वो इसके पास में है तो इसकी स्पीड क्या होगी ज्यादा होगी। केपलर सेकेंड लॉ में एक और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा क्वेश्चन पूछता है आपको NDA या CDS या फिर ATC के एग्जाम में पूछ लेता है कि केपलर का दूसरा नियम किस पे बेस्ड है। तो ये जो केपलर का सेकेंड नियम है वो कोणीय संवेग संरक्षण के पे बेस्ड है। ये किस पे बेस्ड है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें आपसे ऑप्शन में रहेगा कि केपलर का दूसरा नियम किस पे बेस्ड है। तो कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है केपलर का कौन सा नियम केपलर सेकेंड लॉ, ये काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है CDS या NDA में। थर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे केपलर का
तीसरा नियम केपलर का, लॉ ऑफ पीरियड्स। इसमें उसने उन्होंने बताया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग, टाइम ऑफ पीरियड का वर्ग, उसके दीर्घ वृत्ताकार जो ऑर्बिट्स है उसकी मेजर सेमी एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। इन्होंने क्या बताया कि ये जैसे सन हमारा है, इसकी जो मेजर एक्सिस है, ये जो मेजर एक्सिस ये बी है, ये हमारी क्या है, मेजर एक्सिस हमारी ये है, यहां से यहां सेमी मेजर एक्सिस है, इसके क्यूब के बराबर है। सूर्य की मैंने बताया सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह का परिक्रमण काल टी का वर्ग, उसके दीर्घ वृत्ताकार की सेमी एक्सिस, जो ये मेजर सेमी एक्सिस ये है, इसके घन मतलब क्यूब के समानुपाती। कहने का तात्पर्य यह है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये इन्होंने थर्ड नियम दिया था केपलर्स ने। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसमें न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, जितने भी पार्टिकल हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, वो खींचते हैं। तो उन्होंने एक नियम दिया, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसके अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने बताया कि न्यूटन ने बताया था कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल, आकर्षण बल हमेशा, ये आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा क्या होता है, आकर्षण बल ही होता है, ये हमेशा क्या होता है, आकर्षण बल ही होता है, ठीक है, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान, मान लीजिए एक पिंड का द्रव्यमान m1 है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान क्या है m2 है, के गुणनफल के समानुपाती, मींस f प्रोपोर्शनल टू m1 into m2, ठीक है, गुणनफल के समानुपाती, तथा यह बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, विरुद्ध समानुपाती। मान लीजिए जैसे यहां पे एक पार्टिकल हमने लिया, क्या ये हमारा m1 है, दूसरा पार्टिकल हमने क्या लिया m2 लिया, इनके बीच की जो दूरी ये हमारी है r है, ये हमने क्या ले लिया r है। इसने बताया कि ये जो f है इस r के क्या है, वर्ग के विद्युत समानुपाती। यहां पे देखिए लिखा हुआ है उनकी दूरी की वर्ग के क्या है, ये विद्युत समानुपाती, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो यहां से आप अगर इन दोनों इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड है, तो यहां से आप जब निकालोगे तो आ जाएगा f इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जब हम ये दोनों प्रोपोर्शनल हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या अब जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा जी, तो आ जाएगा यहाँ से m1 m2 by r स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा यहाँ से न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। देखिए आप जैसे ही यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे, ये वाला यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, तो आ जाएगा जी, एक कांस्टेंट जिसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसकी वैल्यू आपको मैं अभी बताऊंगा क्या होता है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ये चीजें, मैं सिर्फ आप इस टॉपिक इस क्वेश्चन जो निकल के आया है उसमें मैं आपको करता हूँ। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। यहां से कभी कभी ये पूछ देता है कि जी की क्या होगी, यूनिट क्या होगी, कैपिटल जी की यूनिट क्या होगी। आप यहां से कैपिटल जी की यूनिट आप देख रहे हैं क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, ये मास है, मास क्या होगा, किलोग्राम का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी मात्रक क्या आ जाएगा, अगर मैं जी का यूनिट पूछूं यहाँ से आपको, तो क्या हो जाएगा न्यूटन, ये हमारी डिस्टेंस है, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये इनकी क्या आ जाएंगे, नीचे आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, किलोग्राम। आप इसको क्या करिए, यहां से रिमूव कर लीजिए, सबसे पहले जी के लिए निकाल लीजिए, जी क्या होता है, तो यहां से आप करेंगे ये r स्क्वायर आ जाएगा अपॉन m1 m2 आ जाएगा। तो यहां से आप फोर्स की हमें मालूम है यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। पहला क्वेश्चन तो ये हमेशा आपको जी की यूनिट पूछता है कि इस कैपिटल जी की यूनिट क्या होगी, तो आप यहां से देख रहे हैं यहां से यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी, और यहां पे ये क्या है, डिस्टेंस है, इसकी क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। यहां पे क्या हमारे मास है, इसकी क्या हो जाएगी, किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये मात्रक हो जाएगा इसका। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अक्सर पूछ देता है इसकी क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल जी की डायमेंशन क्या होगी। तो डायमेंशन में आपको यहां से निकाल लो, आपको लेकिन छोटी छोटी डायमेंशन पहले से पता होनी चाहिए, जैसे फोर्स की क्या होती है, MLT-2, क्या हो जाती है यहां से फोर्स की, MLT-2, ये हमारी क्या है, फोर्स की है, ये हमारी क्या है, डिस्टेंस है, इसका क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा यहां से, ठीक है।
अपॉन में आ जाएंगे। यहाँ पे ये हमारे क्या है, मास है, तो ये M1 M2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये M स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये सिंगल M बचेगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये M इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये M की पावर माइनस वन, ठीक है। यहां से देखिए ये सिंगल L है, यहाँ पे L स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, L क्यूब बन जाएगा, यहां से T की पावर माइनस टू, T की पावर माइनस क्यूब, यह इसकी क्या है, डायमेंशन ही होगी। तो एग्जाम में ये पूछता है, ज्यादातर एग्जाम में पूछता है कैपिटल जी की क्या होगी डायमेंशन, हमारे क्या होंगे, तो क्या हो जाएगा, एल पावर माइनस वन, एल क्यूब, टी की पावर माइनस टू। या फिर कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू तो 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11। और फिर एग्जाम में क्या होगा, चार ऑप्शन रहेंगे, तो पहले तो ये यूनिट में कुछ कंफ्यूजन करेगा, 10 टू पावर माइनस 10 दे देगा कुछ और, दूसरा क्या करेगा, वो आपकी जो यूनिट से मैंने अभी बताया यहाँ पे इसकी यूनिट्स क्या होगी, इस यूनिट में कुछ वो गलतियां कर देगा, जैसे हमने क्या लिखा, न्यूटन मीटर स्क्वायर रखा है, तो वहां पर हो सकता है न्यूटन मीटर आपको मिल जाए, तो ये आप ध्यान रखना, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या है, किलोग्राम का स्क्वायर, केजी का स्क्वायर, तो ये इसकी क्या होती है, हमारी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में, किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला फोर्स को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, I is equal to F by M। गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे हुए एकांक द्रव्यमान मतलब यूनिट, M की वैल्यू क्या कर दी यहाँ पे इन्होंने, M की वैल्यू M, M की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो I is equal to क्या हो जाएगा, I proportional to हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अगर हम M is equal to 1 करते तो I proportional to क्या निकल के आ जाएगा, यह आ जाएगा। तो कहने का मतलब किसी गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पे आप एकांक, मैंने बोला एकांक का मतलब था M की वैल्यू क्या हो जाएगी, M 1 हो जाएगा, तो M अगर 1 रखोगे तो I = F हो जाएगा। तो एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसमें अब आपको पूछ देगा कि गुरुत्वीय क्षेत्र की यूनिट क्या होती है, यहां से इसके मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन यहाँ पे फोर्स है, फोर्स के लिए क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए, फोर्स की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू होती है। और यहाँ से ये हमारा क्या है, मास से मास के लिए क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ई से एम से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी की पावर माइनस टू। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यूनिट पूछ लेगा आपको कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, या फिर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है, यूनिट क्या होती है। डेफिनेशन तो आपसे बहुत कम रेयर केस में पूछते हैं एग्जाम में, लेकिन सबसे ज्यादा क्या पूछते हैं ये आपसे, या तो डायमेंशन पूछ लेंगे, या तो फिर आपसे क्या पूछ लेंगे, वो यूनिट्स क्या होती हैं। तो वो हमें तभी निकल के आ पाएंगे जब हमें पहले से ये चीजें, हमें डेफिनेशन उनकी पता हो, अदरवाइज तो हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे इस चीज को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, गुरुत्व, ग्रेविटी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं भी दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अगर उन दोनों पिंडों में से, अगर उन दोनों पिंडों में से एक कोई अर्थ हो जाए, अगर एक कोई अर्थ हो जाए, तो उस आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम और गुरुत्व में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, उन्होंने एक जनरल सा बता दिया कि किन्हीं भी दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन अगर उनमें से कोई भी एक पिंड हमारा क्या हो जाए, अर्थ हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं, ग्रेविटी, गुरुत्व। गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार आपको मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मान लीजिए दो पिंड हमारे पास, एक M1 और एक M2 है, एक हमारा M1 है और एक दूसरा हमारा क्या है, M2 है। इनके बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है, इनके बीच में क्या जो आकर्षण बल कार्य करता है, उन्हें हम क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अगर इसमें से किसी कोई एक जो हमारा क्या हो, अर्थ हो, क्या हो, पृथ्वी हो, इसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, पृथ्वी है, तब इन दोनों के बीच में, पृथ्वी और दूसरे पिंड के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूटन ने बताया था कि इन दो पार्टिकल के बीच कार्य करने वाला क्या अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या करते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। लेकिन अगर इसमें से
कोई एक पार्टिकल हमारा कोई एक जो पिंड है वो क्या हो जाए पृथ्वी हो जाए, ठीक है, तब उस केस में हमारा जो आकर्षण बल कार्य करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्व बोलते हैं। तो या फिर ये कह दें कि जिस आकर्षण बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, अपने केंद्र की तरफ क्या करती है, खींचती है, उस बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी पार्टिकल अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, अगर हम किसी भी चीज को ऊपर से ऐसे छोड़ दे सडनली, तो जैसे जैसे वो नीचे जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर से कोई भी वस्तु अगर छोड़ी जाती है जो पृथ्वी की ओर गिरती है, एक सेकेंड में उसके वेग में जो वृद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसकी वैल्यू इसको हम किससे शो करते हैं, जिससे शो करते हैं, इसकी वैल्यू होती है क्या, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर नियर अबाउट हम कभी कभी इसको क्या कहते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नियर अबाउट हम कभी कभी इसको क्या कहते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण है कि ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में एक सेकेंड में जो वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसकी इसको हम जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम इसे नियर अबाउट कभी कभी क्या ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन, जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताया था कि एफ इज इक्वल टू जी एम ई एम वाई आर ई स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया, जो एम ई हमारी है, यहाँ पे मैं एम ई जो है पृथ्वी का द्रव्यमान पृथ्वी, और जो यहाँ पे ये हमारा आर ई है वो पृथ्वी की त्रिज्या, ये मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है हमारे आर ई। और हमें पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एम इंटू जी होता है। तो इस इक्वेशन में हम मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट मार रखा है, तो इस वैल्यू को एफ की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर दें, पुट कर दें, तो एफ की जगह हमारा क्या हो जाएगा, एम इंटू जी हो जाएगा, ठीक है, इधर हो जाएगा जी एम ई इंटू एम बाई आर ई स्क्वायर, आर ई स्क्वायर। यहां से ये एम ई से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो जी की वैल्यू हमारी आ जाएगी जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर आएगी। यहां से क्या हमारी निकल के आ जाएगी वैल्यू, G is equal to G M E upon R square, कि capital G ये mass of earth and ये radius हो जाएगी earth की। अब यहां से आप देखिए कि एक question बहुत कई बार exam में पूछ चुका है, जैसा हमने यहाँ पे ये relation हम जब निकाल के लिए तो हमने देखा कि ये जो हमारा G है ये क्या कर रहा है, particle के द्रव्यमान पर क्या है, depend नहीं कर रहा। देखिए यहाँ से M क्या हो रहा है, हमारा cancel out हो जा रहा है। तो एक हर एग्जाम में SSC बैंक रेलवे की ये हमेशा पूछता है कि दो द्रव्यमान के अलग अलग द्रव्यमान को क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये कितना केजी का है, ये इतना, मतलब दो डिफरेंट द्रव्यमान के पार्टिकल अगर समान ऊंचाई से हम क्या करते हैं गिराते हैं तो पृथ्वी पे वो ऑप्शन में रहेगा, एक समय पर पहुंचेंगे या भारी वाला पहले पहुंचेगा या हल्का वाला पहुंचेगा। तो इस तरह से वो क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आता है। तो जैसा हमें देखने से पता चल रहा है कि ये जो जी है ना गुरुत्वाकर्षण, ये हमारा क्या करता है उस पर डिपेंड, मास पे हमारा क्या करता है, ये ग्रेविटेशन है, एक्सेलरेशन है, ये हमारा क्या मास पे डिपेंड नहीं है। अगर हम वैक्यूम मतलब निर्वात में अगर दो पिंडों को एक साथ, चाहे वो भारी हो चाहे वो हल्के हो, ठीक है, अगर हम एक समान ऊंचाई से छोड़ते हैं तो पृथ्वी पर क्या आएंगे, वो समान टाइम में पहुंचेगी, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल है हमारा, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे बोलते हैं, ये क्या रहेगा समान रहेगा, क्योंकि ये इस पर मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर हम दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के पिंड को अगर समान ऊंचाई से गिराते हैं और उस वैक्यूम में गिराते हैं तो क्या होगा, पृथ्वी पे एक समान टाइम पे एक साथ पहुंचेंगे। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, कई बार पूछा गया है कि अगर दो पार्टिकल को अगर हम समान ऊंचाई से गिराते हैं, अगर उनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न है तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा या एक साथ पहुंचेंगे, तो इससे पता चला ये दोनों क्या होंगे हमारे एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि जो हमारा ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इन पे क्या मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन ही आपका इजिली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जी के मान, पहला केस ये हम ले रहे हैं कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होगा, जी का मान बढ़ेगा घटेगा या एक समान रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर
पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, इस यहां से यहां तक हमारी रेडियस क्या है, आरई है, ठीक है। ये भी हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आरई हो जाएगी यहां से यहां तक की, ये पृथ्वी की रेडियस है। अब हम पृथ्वी तल से कितनी h ऊंचाई पर पहुंच गए, मान लीजिए इस पॉइंट पी पे हम पहुंच गए, इस पॉइंट पी पे हम क्या कर गए, पहुंच गए यहाँ पे, ये पार्टिकल है पी, यहाँ पे इसका मास मान लीजिए m हमारे पास है, ठीक है, और ये जो हाइट हमारी क्या है वो h है यहां से लेके यहां तक। तो इस केस में g के मान में जब कोई पार्टिकल यहाँ पे होगा तो उस केस में g में क्या परिवर्तन आएगा, g का मान बढ़ेगा कि घटेगा या एक समान रहेगा, उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या परिवर्तन हो रहा है जी के मान में। तो जैसा कि हमें पता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार F is equal to G M E M by R square। यहाँ पे हमने क्या लिया कि ये वो कंडीशन है जब कोई पार्टिकल क्या हो, अर्थ पे बिल्कुल हो, अर्थ सरफेस पे हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो, मान लीजिए जैसे यहाँ पे है, तो उस कंडीशन में F की वैल्यू हमारी क्या आती है, जी एम ई मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और ये हमारा एम जो है पार्टिकल, जो कोई दूसरा पार्टिकल है उसका मास है, ये हमारी क्या है पृथ्वी की रेडियस है। ये कंडीशन कब की है, आप देख रहे हैं जब बिल्कुल यहाँ पे होगा पार्टिकल, जब यहाँ पे होगा मतलब पृथ्वी की सतह पे होगा, तब ये वाली कंडीशन है। यहां से हमने निकाला था F is equal to क्या है, F into G, तो यहां से हम इसमें रख देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, यहां से इस इक्वेशन में पुट करिए F की वैल्यू, तो एम जी हम यहाँ पे पुट कर दे, एम जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई स्क्वायर, ये चीज निकल के यहां से आ जाएगी। अब इस एम सी एम का क्या होगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से जो g की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी एम ई जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये हमारी वो कंडीशन g की है जब कोई चीज हमारा क्या हो, अर्थ के बिल्कुल सरफेस पे हो। लेकिन अब हमें दूसरी कंडीशन ये लेनी है कि वो पार्टिकल अर्थ पे ना होके यहां पे ना होके क्या है, h डिस्टेंस यहां पे है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमारा यहां से g जैसे आया है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, मैं ऐसा लिख दूं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम यहां से देखिए यहां पे g की वैल्यू काउंट करें, तो मान लीजिए हमने इस पॉइंट पे ले रहे हैं, तो हमने g मान लिया कि हमारा जो आया g वो g डैश आ गया, हमने क्या ले लिया वो g डैश आ गया, तो g डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कैपिटल g तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमेशा यही है कि इसकी वैल्यू तो फिक्स है 6.67 न्यूटन प्रति पावर से लेवल, ठीक है। अब ये मास है तो यहां पे मास भी ऐसे ही रहेगा, मास ऑफ अर्थ ही रहेगा, अब सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, पहले वो रेडियस यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही, अब क्या हुई आर ई प्लस एच ये वाली हाइट, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगी आर ई प्लस ये एच का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हमारा अगर फर्स्ट है तो हमने इसको क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लिया। अब हमें इस जी डैश की वैल्यू निकालना है कि ये बढ़ रही है घट रही है, इसके रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, तो हमने कर दिया इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से जी डैश इज इक्वल टू अपॉन जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको, पहला इक्वेशन यहां पे आप लिख लीजिए जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाय दिस इक्वेशन जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि इस वाले से ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो आ रही है ये ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा नीचे रह जाएगा। तो मैं आपको इसको यहां पे दिखा देता हूं आपको, ये यहां से आप देखिए इस चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं, तो जी डैश अपॉन जी, जी डैश अपॉन जी, यहां से मैंने जी डैश अपॉन जी, अब ये आर ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर हमने लिख दिया, अपॉन में हमारा क्या आ रहा है यहां से आप देखिए आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, तो हमने यहां पे लिख दिया आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां से हम क्या कर सकते हैं आर ई स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे हमारे पास आर ई स्क्वायर इसको रहने दिया, हमने यहां से कॉमन ले लिया आर ई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां बच जाएगा हमारा वन, यहां पे क्या हो जाएगा वन हो जाएगा प्लस एच अपॉन आर ई हो जाएगा का होल स्क्वायर, ये चीज हमारी क्रिएट हो जाएगी। अब ये देखिए इससे ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, तो जी डैश अपॉन जी की वैल्यू क्या आ जाएगी वन अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर ई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, या फिर हम इसको लिखे जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
जी अपान वन प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर, ये चीज निकल के आ जाएगी ना इस इक्वेशन से। अब इस जी की देखिए, यहाँ पे जो जी है, इस जी की वैल्यू आपको पता है, मैंने बताया था पिछले इक्वेशन में कि 9.8 होती है या फिर नियर अबाउट हमारी क्या होगी 10 होगी। अब कोई चीज है उससे उसमें जब डिवाइड करोगे क्या होगा, तो और कम आ जाएगा। तो इसको देखने से ये पता चल रहा है कि ये जो जी डैश आया वो क्या होगा, जो पहले हमारा 9.8 था उससे कम ही तो आ रहा है ना। आप यहाँ देखिए 9.8 है, उसमें किसी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर किसी नंबर से हम किसी चीज को डिवाइड करेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारी कम ही आएगी। तो इसका मतलब जी डैश जो हमारा निकल के आ रहा है पृथ्वी तल से यह ऊंचाई पे जाने पे क्या हो रहा है, वो हमारा कम हो रहा है। तो इससे हमें पता चल गया कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पे जी के मान में क्या होगी, कम ही हो जाएगी। जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी इक्वेशन से आपको देख के भी पता चल रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा दूसरा, हम कंडीशन लेंगे कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पे जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। ये हमारा इक्वेशन निकल के आ गया जी डैश इक्वल टू जी अपान एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। अगर हम पृथ्वी की जितनी त्रिज्या है, जितनी पृथ्वी की रेडियस है, अगर उतनी ऊंचाई पर पहुंच गए तब जी के मान में क्या परिवर्तन होगा वो हम निकालते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है। अगर हम जो यहां से ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए, अगर जो हमने एच लिया, जो एच वाली हाइट है वो हमारी किसकी इक्विवेलेंट हो जाए, पृथ्वी की रेडियस के बराबर हो जाए, तो जी के मान में क्या परिवर्तन आएगा, तो जी डैश इक्वल टू आर यहां से आ जाएगा जी डैश इक्वल टू जी अपॉन वन प्लस एच। एच इक्वल टू मैंने क्या कंसिडर कर लिया कि वो हमारी रेडियस पृथ्वी की रेडियस के बराबर है, तो एच की जगह हम क्या रख देते हैं, आर ई रख देते हैं। फिर उसके डिवाइड बाय भी हमारे पास क्या है, आर ई है का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट होकर वन हो जाएगा, मीन्स जी डैश इक्वल टू जी बाई टू, वन प्लस वन टू हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स जी बाई फोर, जी डैश इक्वल टू जी बाई फोर। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर हम पृथ्वी तल से पृथ्वी की ऊंचाई के बराबर ऊपर चले जाएं तो जी का मान क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन में रहेगा कि जी बाई फोर हो जाएगा, वन बाई फोर हो जाएगा, वन बाई थर्ड हो जाएगा, तो इस तरह से आपको रहेगा। तो उसका क्या सही आंसर हो जाएगा कि वन बाई फोर्थ हो जाएगा, जो पहले हमारी जी की वैल्यू थी उसकी क्या हो जाएगी, हमारी वन बाई फोर्थ हो जाएगी। इसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आएगा कि अगर हम पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई में पहुंच जाए तो जी के मान में क्या परिवर्तन आएगा, तो जी बाई फोर हो जाएगा, या ऑप्शन में रहेगा कि वन बाई फोर हो जाएगा, वन बाई टू, इस तरह से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएंगे। अब दूसरा जो टॉपिक हम ले रहे हैं, सेकेंड कंडीशन जो हम ले रहे हैं, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, कि जी पृथ्वी तल से जब हम नीचे जा रहे हैं तो उस केस में जी के मान में क्या परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया हमारी क्या है अर्थ है, ठीक है, इसकी यहां से यहां तक रेडियस हमारी क्या है, आर ई है, ठीक है, यहां से यहां तक की रेडियस हमारी क्या है, आर ई। अब हम यहां से पृथ्वी तल से क्या जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, मान लीजिए यहां पे आ गए, इस पॉइंट पे आ गए, मान लीजिए हम इस पॉइंट पे आ गए, यहां पे आ गए, मान लीजिए हमारा पॉइंट पी है, यहां पे आ गए, तो यहां से यहां तक की जो हमारी डिस्टेंस हमने मान लीजिए एच गहराई तक हम क्या आ गए, पृथ्वी तल से नीचे आ गए, तो अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर ई माइनस एच हो जाएगी, हमारी यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर ई माइनस एच हो जाएगी। तो अब ये पूछ रहा है कि अगर हम पृथ्वी तल से नीचे इस पॉइंट पे पहुंच गए, यहाँ पे पॉइंट पी पे पहुंच गए, तब जी का मान हमारा क्या होगा, जी का मान बढ़ेगा कि घटेगा, एक समान रहेगा, उस केस में क्या होगा, वो चीज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर जब हम पृथ्वी तल पे हैं, तो आपने पिछले क्वेश्चन में मैंने निकाला था आपको, इसलिए मैं एक बार यहाँ फिर निकाल दे रहा हूँ कि अगर हम पृथ्वी तल पे हैं उस केस में गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, जी एम ई एम वाई आर ई स्क्वायर, ये चीज होती है। अब यहां से आप लिख सकते हो एफ इज इक्वल टू क्या, एम इंटू जी, जी एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से हमारी जी की वैल्यू क्या आ गई, जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर, यही आगे निकल के हमारी। ये कंडीशन तब की है जब हम क्या है अर्थ पे है, मतलब पृथ्वी की सतह पे बिल्कुल है, लेकिन अब क्या है कि हम पृथ्वी तल से कहां चले गए हैं, नीचे चले गए हैं एच डिस्टेंस तक। तो इस केस में क्या होगा, जो गुरुत्वाकर्षण लगेगा सिर्फ और सिर्फ इस पिंड के कारण लगेगा, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण लगेगा, सिर्फ और सिर्फ इसी पिंड के कारण लगेगा, जो हमारी ये स्पेस है, कोकली स्पेस है,
इसके कारण से वो हमारा अट्रैक्शन फोर्स नहीं काम करेगा। तो इस पे हम काम करते हैं सेकंड केस में क्या है? तो हमने मान लीजिए उस केस में हमारी जी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन तो हमने जो मान लीजिए जी डैस आ गया, हमने जी डबल डैस ले लिया कि अगर हम पॉइंट पी पे वहां पे पहुंच गए तो उस केस में हमारा क्या हो गया, जी डैश हो गया, जी डबल डैश हो गया। यहाँ पे ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये ऑलवेज हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहाँ पे जो मास का अर्थ है वो एम डैश हमने कंसिडर कर लिया, क्योंकि पहले तो हमें पूरा ये था जिसको हमने एम ही कंसिडर किया था, लेकिन ये जो एम ये इतना है एम ही डैश ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, एम ही डैश लिख लिया। अब यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, अब ये हमारी हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, आर ई माइनस एच हो जाएगा। यहाँ हमने लिख दिया आर ई माइनस एच का क्या होल स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारा निकल के आ गया। तो इसमें अब इन दोनों इक्वेशन को हम एक बार क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। जी डैश ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये हमारा क्या आ गया, सेकेंड आ गया। तो सेकेंड इक्वेशन डिवाइड बाई फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं हम यहाँ से, यहाँ से जी डबल डैश अपॉन जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एम ई डैश। हमने एम ई डैश आप ध्यान रखिए, हमने एम ई डैश इसका मान रखा है, जो ये अंदर जाने के बाद ये जो अर्थ बची ना इसका हमने मान रखा है एम ई डैश। अब अपॉन आर ई में क्या हो जाएगा, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई इस इक्वेशन में डिवाइड बाई जी की वैल्यू आप यहां से रखिए, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए ये वाला जो पोर्शन हमारा ये है, ये जी से जी क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो आर ई है ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर ई स्क्वायर हो गया, यहाँ से एम ई डैश यहीं पे रहेगा, ये एम ई डैश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका इसके साथ में हो जाता है, ऐसे हो जाता है, इनका एक साथ हो जाता है और ये इनका क्या हो जाता है, एक साथ हो जाता है। तो नीचे हमारा क्या बच जाएगा, एम ई अपान यहाँ से क्या हो जाएगा आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, ये हमारी निकल के आ गई जी डैश अपॉन जी की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मास ऑफ अर्थ निकाल लेते हैं कि अर्थ का क्या होगा, मास कितना होता है। तो मास ऑफ अर्थ एम ई क्या होता है, आपको पता है कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है यहां से, ठीक है। तो द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन हो जाएगा। अब यहाँ पे वही चीज हम लिख दिए, ठीक है। आयतन आयतन के लिए क्या है, ये पृथ्वी हमारा एक क्या, हमने उसको मान लिया कि हमारा एक क्या गोला है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, चार बटे तीन पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ठीक है। किसी गोले का आयतन क्या होता है, चार बटे तीन पाई आर क्यूब, यही होता है हमारा। तो हमने यहां से लिख दिया पृथ्वी हमारा एक गोला है, तो चार बटे तीन पाई आर क्यूब उसकी रेडियस क्यूब हो गई। घनत्व घनत्व हमने क्या कंसिडर कर लिया, ये इसका पृथ्वी घनत्व सेम रहेगा, तो हमने इसको कंसिडर कर लिया क्या, रो। तो ये तो हमारी एम ई की वैल्यू आ गई, ठीक है। सेम इट इज, आप इसकी वैल्यू कंसिडर कर लो, एम ई डैश की वैल्यू कंसिडर कर लो, एम ई डैश की। तो ये भी एक गोला है, इसके लिए भी ये होगा चार बटे तीन पाई आर क्यूब। अब रेडियस, रेडियस की केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ई माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर ई माइनस एच का क्यूब इंटू रो, ठीक है। तो एम ई डैश की वैल्यू यहां से आ गई आपको। इन दोनों वैल्यू को क्या करो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, इसको मैं बता देता हूं इक्वेशन नंबर तीन, इसको बना दिया मैंने इस एम ई, ठीक है, और एम ई डैश की वैल्यू इस इक्वेशन में आप पुट करिए। तो मैं यहां से इसको रिमूव करता हूं, इसको यहां से हमने इसको रिमूव कर दिया। अब इनकी वैल्यू इसमें पुट करिए आप, यहां पे आर ई स्क्वायर मैंने लिखा, आर ई स्क्वायर हो गया, ठीक है। एम ई डैश की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी 4/3 पाई लिख लिया हमने आर ई माइनस एच का क्यूब इंटू रो, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई। अब फिर आप इसमें आ जाओ, इसको लिख लो, ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ रही है, जी डैश अपॉन जी की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकल के आ रही है, जी डबल डैश अपॉन जी की वैल्यू निकल के आ रही है। अब यहाँ पे एम ई की वैल्यू लिख लो आप यहां से, चार बटे तीन पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ठीक है, रो है तो रो लिख लो आप यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, इसकी एम ई की वैल्यू हो गई चार बटे तीन पाई आर क्यूब, ठीक है, रो है तो रो लिख लिया हमने। अब इसको लिख लो आप यहाँ से, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर,
ठीक है। अब इसमें क्या था, देखिए हमने आर ई स्क्वायर लिया है, एम की वैल्यू भी लिख लिया है यहाँ से, 4/3 बाई आर ई माइनस एस क्यू। अब देखो इसमें बहुत सारे डायरेक्ट आउट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से हमारा क्या हो जाएगा, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, और इस रो से ही हमारा रो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल आउट के सिर्फ आर ई यहाँ पे बच जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे देखिए आर ई माइनस, और एक चीज कर दिया ये पूरा टर्म इससे ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर हमारा आर ई माइनस एच बच जाएगा, क्या बच जाएगा, आर ई माइनस एच, ऊपर तो हमारा क्या बच गया, आर ई माइनस एच बच गया, और नीचे क्या हमारा बच गया, आर ई बच गया, नीचे हमारा क्या बच गया, आर ई बच गया, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आई निकल के हमारी, जी डबल डैश अपॉन जी स्क्वायर टू क्या आ गया, आर ई माइनस एच अपॉन आर ई, यही तो निकल के आ गया। अब देखिए आप इनको अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि वन माइनस एच अपॉन आर ई, इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर ई से आर ई डिवाइड होगा तो वन हो जाएगा, एच माइनस आर ई आ जाएगा। अब यहां से देखिए आप जी डबल डैश इक्वल टू क्या होगा, जी दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, वन माइनस एच अपॉन आर ई। अब मैं यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूँ आपको कि ये देखिए वन है, वन में से कोई भी कुछ भी नंबर थोड़ा से आप माइनस करोगे तो वो वन की वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, इस टोटल कंक्लूजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी पॉइंट में आ जाएगी, और किसी भी नंबर में अगर पॉइंट का मल्टीप्लाई करोगे तो उससे क्या कर देगा, कम कर देगा उस चीज को, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो जी डैश है वो लेस देन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, जो जी डैश है वो हमारा क्या होगा, लेस देन जी हो जाएगा, क्योंकि यहां से आप देख रहे हैं कि वन में से कुछ पार्ट हमने माइनस किया, जैसे ही वन में से माइनस करोगे कि ये तो वन से कम हो जाएगी वैल्यू, और उसकी किसी भी वन से कम की वैल्यू अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे भी कम, उसको थोड़ा सा और भी कम कर देता है, इससे कंक्लूजन से हमें पता चल रहा है कि जो जी डैश की वैल्यू है इस जी से क्या है, कम है, ठीक है। इसलिए हमें पूरा पता चल रहा है कि अगर हम पृथ्वी तल से नीचे जाते हैं तो क्या हो जाएगा, जी के मान में हमारा क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी, जी के मान में क्या हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन ये हम ये ले सकते हैं कि अगर हम सेंटर पे पहुंच गए पृथ्वी के, पृथ्वी के क्या सेंटर पे पहुंच गए, कहने का मतलब एच की जगह पे हम क्या कर दें, आर ई कर देते हैं, अगर हम पृथ्वी के केंद्र पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, एच की जगह पे हमने क्या कर दिया, आर ई कर दिया, इस आर ई से इस आर ई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, वन से वन कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा क्या कर देगा, जीरो कर देगा। कहने का मतलब है पृथ्वी के केंद्र पर जी का वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी जीरो हो जाएगी। आप ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर हम पृथ्वी के सेंटर पर पहुंच जाए तो उस केस में जी की वैल्यू क्या होगी, आप देखिए इक्वेशन देखिए, अगर हम एच की जगह पे क्या करते हैं, पृथ्वी की रेडियस पे पहुंच जाए, जैसे यहाँ पे देखिए हम, ये हमारी आर ई है, तो हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए, एच की वैल्यू किसके बराबर होगी, आर ई के बराबर होगी, तो यहाँ पे अगर आप आर ई रख देंगे तो आर ई सारी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ वन हो जाएगा, तो वन में से वन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होती है, पूरा पार्टिकल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब जी डबल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। मतलब कहने का अगर हम पृथ्वी के सेंटर पर पहुंच गए तो वहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी जीरो हो जाएगी। ये एग्जाम में कभी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें एक कंडीशन मैं आपको बता दूं कि पोल पे और इक्वेटर पे हमारी जो पृथ्वी की साइज है वो पूरी तरह से पोल है नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा यहाँ पे क्या है, इक्वेटर है हमारा ये, और ये हमारा क्या है, पोल है। तो हमें पता है जी की वैल्यू, जी की वैल्यू क्या होती है, जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, यही होती हमारी जी की वैल्यू। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी जो पृथ्वी का स्लोप है वो इलिप्टिकल है, वृत्ता का मतलब दीर्घ वृत्ता का है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी क्या है, इसकी अपेक्षा क्या है, ये ज्यादा है, ठीक है। ये मान लीजिए हमने ए मान लिया, ए बी मान लिया, तो ए इज ग्रेटर देन बी है, ये क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी है, तो अगर ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा मतलब ये वाला पोर्शन ज्यादा है, ठीक है, तो ये क्या आएगा, जी हमारा कम आएगा। इससे हमें पता चला है कि इक्वेटर पर जो वैल्यू हमारी होगी जी की क्या होगी, वो कम होगी, और हम पोल की बात करें तो बी, ये मतलब कम है तो ये क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब इक्वेटर पे जी का मान क्या होगा, कम होगा, और पोल पे जी का मान हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। आपको देखने से भी पता चल जा रहा है कि अगर ये वाली जिसे हम इक्वेटर पे जा रहे हैं तो यहां से यहां तक डिस्टेंस हमने लिख भी रखा है, यहां से आप देखिए क्योंकि हमारी पृथ्वी का शेप क्या है, हमारा इलिप्स की तरह है,
तो ये हमारी ए की वैल्यू ज्यादा है, ए ग्रेटर देन बी हमने लिखा है। तो अगर ये वाली वैल्यू ए ज्यादा होगी इक्वेटर पे तो जी का मान क्या होगा, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो कम आएगा। इसी तरह से क्या होगा, ये अगर हमारे पोल पे जाते हैं तो पोल पे क्या होगा, इसकी वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू क्या होगी हमारी, ज्यादा होगी। तो इक्वेटर पे जी का मान क्या होगा हमारा, ज्यादा हो रही थी कम हो जाएगा, जी का मान कम हो जाएगा और पोल पे क्या हो जाएगा, उसका मान ज्यादा हो जाएगा।